आई वेंट इन टू द वुड वन डे, यानी कि पोएट यहाँ पर कह रहा है एक बार मैं जंगल में गया एक दिन, एंड देयर आई वॉक्ड एंड लॉस्ट माई वे, और वहाँ मैं घूमता रहा, वॉक यानी कि घूमता रहा, लॉस्ट माई वे, लॉस्ट माई वे, लॉस्ट द वे मीन्स होता है रास्ता भूल जाना या रास्ता खो देना या फिर रास्ते से भटक जाना। इन दो फर्स्ट लाइन का मतलब होगा एक दिन मैं जंगल में गया और वहाँ घूमते घूमते मैं रास्ता भूल गया। आगे बढ़ते हैं। When it was so dark, I could not see, a little creature came to me. अब क्योंकि वहाँ पर बहुत अंधेरा था इसलिए मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। A little creature came to me. तभी वहाँ पर एक छोटा सा जीव क्रिएचर मेरे पास आया। He said, if I would sing a song, the time would not be very long. अब ऐसे में अगर तुम गाना गाते रहोगे तो टाइम है जल्दी बीत जाएगा, टाइम आपको बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि बहुत ज्यादा टाइम है लग रहा है। But first I must let him hold my hand tight, or else the woods give me a fright. हाँ, लेकिन एक और काम करना पड़ेगा, ऐसा करो कि तुम मेरा हाथ जो है वो टाइटली पकड़ लो, वरना इस जंगल में आपको डर लगेगा। यहाँ पर है ना, वुड्स, वुड्स गिव मी अ फ्राइट, अदरवाइज इस जंगल में मुझे डर लगेगा, फ्राइट यानी डर। आई सैंग अ सॉन्ग, ही लेट मी गो, बट नाउ आई एम होम अगेन एंड देर इज नो बडी आई नो। मैंने गाना गाया और उसके साथ मैं चलता रहा, लेकिन मैं अचानक क्या देखता हूँ कि मैं तो अपने घर पर ही हूँ और वहां पर ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मैंने देखा हो या जिसको मैं जानता हूं। तो कुल मिलाकर के ये एक फेयरी स्टोरी थी, फेयरी स्टोरी यानी कि जो वास्तव में सच नहीं थी, सिर्फ एक सपना थी। सो इसीलिए इस पोएम का नाम रखा गया फेयरी स्टोरी। सो थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सेम पोएम की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स के साथ।